मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सभी को जय हिंद। अगर हम इंडिया में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास या तो अच्छे मार्क्स होने चाहिए या हमारे पास अच्छे पैसे होने चाहिए। ये इस बात को हम सब जानते हैं। अगर हमारे पास अच्छा पैसा है तो मार्क्स कम होते हुए भी एमबीबीएस कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छे मार्क्स हैं तो कम पैसे होते हुए भी हम एमबीबीएस कर सकते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में अच्छे मार्क्स भी नहीं है और अच्छे पैसे भी नहीं है, तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि उनको अभी आगे क्या करना चाहिए। तो अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि 585 मार्क्स इस बार कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, यानी कि जिन स्टूडेंट के 585 मार्क्स से अबव है उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, लेकिन जिनके 585 मार्क्स से कम हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है और 585 मार्क्स से कम आ रहे हैं तो उनको ड्रॉप ले लेना चाहिए, उनको इस कंडीशन में ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन ड्रॉप लेने के लिए भी दो तीन कंडीशनें लागू होती हैं। तो इन कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन में ड्रॉप लेना चाहिए आपको? अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, मान लो आपका सेकेंड अटेम्प्ट है और आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं, 400 मार्क्स या इससे अबव मार्क्स आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है अमूमन 100 से 150 मार्क्स तक अगली बार स्कोर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और उसके बाद और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इस बार आपका पेपर खराब चला गया हो या कोई ऐसा कारण हो गया हो कि आपकी तैयारी तो अच्छी थी लेकिन मार्क्स आपके कम आए हैं, तो इस कंडीशन में आप ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट को सलाह दूंगा जिनके 3-4 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं और 400 से मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उनको ड्रॉप लेने की बजाय उनको अलग स्ट्रीम में चले जाना चाहिए। वो अदर ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, जैसे बीएमएस वगैरह में एडमिशन ले लें या फिर बीएससी एमएससी करके अपना करियर बना लेंगे, क्योंकि इसमें जो इम्प्रूवमेंट होगा 3-4 ड्रॉप होने के बाद भी अगर आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस कम है। हालांकि किसी किसी स्टूडेंट के हो जाते हैं, 6 या 7 अटेम्प्ट में भी उनका सिलेक्शन होता है, वो यहाँ एक अपवाद होता है, मतलब कि हो सकता है मेहनत करने से, ऐसा कुछ नहीं है, करने से सब कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ जनरली आपको ये बता रहा हूँ कि जिन कैंडिडेट के 4-5 ड्रॉप, 3-4 ड्रॉप या 4-5 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं, 400 से मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उनको आगे ड्रॉप लेने से इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा मेरी समझ से। मैं इस वीडियो में जो बातें बता रहा हूँ उसको आप अदर सोर्स से टेली कर लीजिएगा, कहीं से भी कन्फर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा सोच और आपके सोच में डिफरेंस हो सकता है। तो ये मेरा एक सोच है कि ड्रॉप अगर आपके ऑलरेडी ज्यादा हो गए, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, किसी अदर स्ट्रीम में चले जाना चाहिए। अब आपके मार्क्स, मान लो आप इस बार एडमिशन लेना ही चाहते हैं, एमबीबीएस करना ही चाहते हैं और आपके पास में पैसा है, थोड़ा पैसा है, तो आप इसमें एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं इस साल एमबीबीएस के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि एमबीबीएस के लिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं उन स्टूडेंट के लिए, तो जिनके 585 मार्क्स से कम हैं, मान लो 585 से 200 मार्क्स तक हैं, तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इंडिया में। इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मार्क्स के अकॉर्डिंग बजट है, यानी कि अगर अच्छे मार्क्स हैं तो कम बजट भी है और कम मार्क्स हैं तो बजट आपका ज्यादा लगेगा। जैसे हम मान के चल रहे हैं, अमूमन मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि यूपी में 200 मार्क्स तक सिलेक्शन होने की संभावना है, तो 60 लाख तक अगर आपका यहाँ पर बजट है तो आप यूपी वगैरह या फिर अन्य किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कर्नाटका और केरला में बजट इस बार भी बढ़ने की संभावना है और हर साल बजट बढ़ता जाता है, तो कट ऑफ वहां भी थोड़ी सी डाउन होने की संभावना है केरला और कर्नाटका में। तो ये तो बात हो गई जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके पास में ये पैसा भी अच्छा खासा पैसा ही हो गया, 60 लाख कम नहीं है इसमें। इसके बाद अगर मान लो इतना पैसा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दूसरा आपके पास एमबीबीएस करने के लिए रास्ता होता है,
वो है एब्रोड। हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे कि इंडिया से एमबीबीएस करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, एब्रोड से करने से क्या फायदा क्या नुकसान है, इनकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है, ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम यहां देख लेते हैं कि अगर आप एमबीबीएस करना ही चाहते हैं, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स ही हैं नीट में, लेकिन आप एमबीबीएस करके अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस में मेहनत करना चाहते हैं, तो आप एब्रोड से एमबीबीएस कर सकते हैं। इसमें 20 से 25 लाख के बीच में आपका जो पैसा है वो लगता है। मैं काफी डॉक्टर से मिल चुका हूं जो एब्रोड से एमबीबीएस करके आए हैं, उनसे बातें भी कर चुका हूं किस प्रकार का वहां रहन सहन है, क्या है। तो कोई कोई ऐसा फ्रॉड तो हर जगह ही है, लेकिन आप अच्छी यूनिवर्सिटी देख के यहां 20 से 25 लाख के बीच में एमबीबीएस कर सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ दो ऑप्शन बच गए, या तो आप इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करें, या फिर एब्रोड से एमबीबीएस करें, या फिर आप अदर स्ट्रीम में अपना करियर बना लें। अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पर मान लो आपके पास में 20-25 लाख का भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, 60 लाख का भी नहीं हो रहा है, इससे कम यानी आधा बजट हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप इसमें मैनेज कर लें लोन वगैरह से। एमबीबीएस करना ही है तो लोन वगैरह से, बैंक आजकल लोन दे रहे हैं तो लोन वगैरह ले लें। ये इसमें एब्रोड के लिए 90% तक लोन दे देते हैं, और इंडिया के लिए भी आपका 25-30 लाख तक लोन मिल जाता है। तो आप लोन से लेकर एमबीबीएस कर सकते हैं। लोन का क्या प्रोसीजर है, कैसे आपने अप्लाई करना है, मैंने उसका सेपरेट वीडियो बना चुका हूं मैं उसका, आप हमारा चैनल सर्च करके देख लीजिएगा। तो ये तो हो गई बात इनकी एब्रोड से और फिर इंडिया से एमबीबीएस करने के लिए। एब्रोड से एमबीबीएस करते समय आप अच्छी तरह से सिलेक्शन कीजिए किसी कंट्री का, यूनिवर्सिटी का, फिलीपींस, यूएसए, जॉर्जिया, इस प्रकार की अच्छी कंट्री। हालांकि मैं डॉक्टर्स जहां करके आए हैं उनसे मिलाई हूं, मेरे को इतना एब्रोड का नॉलेज नहीं है कौन सी जगह कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो आप किसी कंसल्टेंट से इसके बारे में पूरी जानकारी लेके आप एब्रोड से एमबीबीएस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज, और ज्यादातर स्टूडेंट व उनके पेरेंट्स को एक ही चीज का डाउट होता है कि क्या फर्क होता है एमबीबीएस से इंडिया से करने से और एमबीबीएस एब्रोड से करने से। तो मैं यहाँ आपको ये डिफरेंस भी बता देता हूं। तो सबसे पहले हम तीन स्टूडेंट को लेके चलते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट जो इंडिया से गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करता है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करता है, दूसरा इंडिया से ही प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करता है, और तीसरा एब्रोड से एमबीबीएस करता है। तो इन स्टूडेंट को हम लेके चल रहे हैं, तीन स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट से, प्राइवेट से और एब्रोड से एमबीबीएस में क्या अंतर है। तो जो अभी आने वाला समय है 22 से यहां नेक्स्ट एग्जाम लागू हो जाएगा, 23 से वो फुल इंप्लीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम। तो जब 23 आएगा यानी कि आपके लिए तो नेक्स्ट एग्जाम होगा ही होगा, तो इसमें नेक्स्ट एग्जाम गवर्नमेंट से जो एमबीबीएस कर रहे हैं उसको भी देना होगा, जो प्राइवेट से एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी देना होगा, और जो एब्रोड से एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। ये तीनों स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम में एक साथ बैठेंगे, ये तीनों स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम देंगे, और जो नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही उसी को एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। और ये डिग्री नेक्स्ट एग्जाम के बाद, ये डिग्री जो एनएमसी से इश्यू होगी वो इक्वल डिग्री है, उसकी कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया से जो एमबीबीएस करता है उसकी ज्यादा वैल्यू है, एब्रोड से एमबीबीएस करता है उसकी कम वैल्यू है, प्राइवेट से एमबीबीएस करता है उसकी कम वैल्यू, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने के बाद ये डिग्री जो है वो इक्वल है। आपसे बाद में कोई नहीं पूछेगा कि आपने कहां से एमबीबीएस किया है, आपका जब ये मूल्यांकन होगा वो सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जानकारी, आपके नॉलेज, आपके काम से होगा कि आपको कितना अच्छा काम आता है, आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दूं,
ये सारा सब कुछ स्टूडेंट के पढ़ने पर डिपेंड करता है। 5 साल में वो जो एमबीबीएस में सिखलाई करता है वो कितना सीखता है, उसका पीडिया में कितना इंटरेस्ट है, सर्जरी में कितना है, ओबीजी में कितना है, गायनो में कितना है, ईएनटी में कितना है, क्या है उसको नॉलेज, किस क्षेत्र में उसको क्या नॉलेज है, ये सारा उसकी पढ़ाई पर डिपेंड करता है। अब जो इसकी वैल्यू है डिग्री की, वो सबके लिए इक्वल है। मैं आपको यहां एक चीज और क्लियर कर देता हूं, एम्स से भी एमबीबीएस करने वाला डॉक्टर पीजी नहीं क्लियर कर पाता है, लेकिन प्राइवेट से करने वाला भी पीजी फर्स्ट चांस में क्लियर कर पाता है, और एब्रोड से करने वाला स्टूडेंट भी पीजी फर्स्ट चांस में ही क्लियर कर जाता है। तो ये सारा का सारा एमबीबीएस की आपकी पढ़ाई पर डिपेंड, आप कितना एमबीबीएस में अपना नॉलेज गेन करते हैं वो सारा इस पर डिपेंड करता है। आपकी लाइफ सेट होगी एमबीबीएस की पढ़ाई पर, यही एक बेस है कि आप कितना पढ़ते हैं। बाकी इन डिग्री में कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं इस इन वे के साथ में जो मैंने आपको बताए हैं। फिर भी आप ये कंफर्म कर ले अदर सोर्स से, क्योंकि अभी पेरेंट्स को ये सबसे बड़ी समस्या है जिनके मार्क्स कम है, और उनके सामने यही सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अभी उनको क्या करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको ये एक इंचली हिंट दे दिया है, आप अपनी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि मैं तो आपकी सिचुएशन जानता नहीं हूं, आप अपने सिचुएशन को देखते हुए किसी जानकार आदमी से कंसल्ट करते हुए आप नेक्स्ट कदम उठा सकते हैं। तो नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।